राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित 3 अप्रैल पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 3 अप्रैल गणित के पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित जो आपके 3 अप्रैल को पेपर होने वाला है, पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और ये पूरा पेपर मैंने सोल्व कर लिया है और हल सहित ये पेपर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आप गणित के अंदर 80 में से 80 नंबर का स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में गणित के पेपर में 3 अप्रैल को, तो ये पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और इस पूरे पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर है वो रहने वाला है 3 अप्रैल का। तो देखिए, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए दिया गया है। और सेक्शन ए में आपको प्रश्न संख्या एक दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा उसमें टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क का आएगा। तो ये 12 नंबर आपको किस प्रकार से बनाने हैं और उसके लिए मैं क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपके प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन आया है आपका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं और क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। अब प्यारे बच्चों, महत्तम समापवर्तक आपके क्या होता है, महत्तम समापवर्तक को अपन क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। यानी दो संख्याएं हैं आपके पास और उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो आपको 4 दे रखा है। ओके, और लघुतम समापवर्तक यानी जो एलसीएम है वो आपको 96 दे रखा है और उनमें से यदि आपको एक संख्या दे रखी है 96, तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या प्यारे बच्चों आपकी क्या रहने वाली है, दूसरी संख्या आपको किस प्रकार से ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके आ चुका है, यानी करेक्ट आंसर आपके क्या होगा इसमें, सही ऑप्शन होगा 404। ओके, और इसका जो हल है वो आप देख सकते हैं, सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इस पूरे पेपर का मैंने पहले ही सोल्व कर लिया है। इस पूरे पेपर को हल सहित इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके क्या है कि द्विघात बहुपद, यानी आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है। द्विघात बहुपद है आपके एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें आपको शून्यकों का योग ज्ञात करना है, यानी शून्यकों का जो योग है वो आपको फाइंड करना है। तो शून्यकों का जो योग है वो आपके क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा, यानी बे ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है आपके, एक चर को विलुप्त करने की विधि कहलाती है। तो इसमें ए ऑप्शन में विलोपन है, बे में आपके प्रतिस्थापन है, सह में आपके वजन गुणन विधि है और द ऑप्शन में आपके ग्राफीय विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, विलोपन विधि होगा, यानी एक चर को विलुप्त करने वाली जो विधि है वो क्या कहलाती है, विलोपन विधि कहलाती है, एलिमिनेशन मेथड कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद है ए का मान है वो 7 है और सार्वंतर डी का मान 3 है और कुल पद का मतलब यहाँ पर एन है, एन का मान कितना है 8, तो व्यापक पद है वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, व्यापक पद है वो आपका कितना आएगा, 28 आएगा। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 28 होगा। ओके, तो ए ऑप्शन है वो इसमें सही होगा आपके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ए ऑप्शन में 1 दे रखा है, बे में आपको 3 दे रखा है, सह में आपको अनंत दे रखा है और द में आपको 2 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, अनंत होगा, यानी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है आपके, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो इसके मूल क्या होंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन में 2 बराबर वह वास्तविक मूल और बे में कोई वास्तविक मूल नहीं और स में 2 भिन्न वास्तविक मूल और द में आपके उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन होगा, यानी 2 बराबर वह वास्तविक मूल। तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको तैयार करने हैं, बार बार इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु माइनस का 5 और माइनस का 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बिंदु माइनस का 5 और माइनस का 6 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा यानी थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा। तो सही ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। और उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है आपके, साइन ए का विलोम है। तो देखिए साइन ए का अपोजिट क्या होता है आपके, कोसेक ए होता है। और कोस का अपोजिट होता है आपके सेक, और टेन का अपोजिट होता है आपके कोट। तो इनको अच्छे से आपको रीड कर लेना है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, और यहाँ पर प्लस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ए ऑप्शन है वो इसमें आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, वर्ग आपको एक दे रखा है, एक वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 10 से 25, इनका आपको वर्ग चिन्ह बताना है। तो इन दोनों नंबर को ऐड करके हाफ करना है, आधा करना है। तो 25 10 आपके 35, और 35 का आधा क्या होगा आपके 17.5, यानी सही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, निम्न में से माध्य ज्ञात करने की विधि है। तो माध्य ज्ञात करने की विधि है उसको हम प्रत्यक्ष भी कहते हैं, कल्पित माध्य भी कहते हैं, पद विचलन माध्य भी कहते हैं, यानी उपयुक्त सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ए ऑप्शन में 0.75 जो हो सकती है, यानी पॉइंट में आपका आंसर है वो आ सकता है प्रायिकता के अंदर। और उसके बाद में देखिए बे ऑप्शन में आपको दे रखा है, बे ऑप्शन में आपको इसमें दे रखा है यहाँ पर माइनस का 1.5, माइनस में जो प्रायिकता है वो आपके असंभव है यानी नहीं हो सकती है। सह में आपके परसेंटेज में हो सकती है, और बट्टे में भी यानी फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो बे ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा, सही होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें पहला प्रश्न है कि इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होते हैं। तो किस स्थिति में होते हैं, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, ये आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर दे रखा है आपको 2, उसके बाद में एक आपको कॉलम दे रखा है, इसमें आपको कौन सा पद आएगा वो आपको लिखना है। और तीसरा पद आपके 26, रिक्त खाने में पद आपको लिखना है। तो इसमें आपके 14 आएगा, 14 आएगा, आप निकाल सकते हैं इसको। और तीसरा प्रश्न है, बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु 0 0 से दूरी क्या होगी, अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको फॉर्मूला पूछा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, और उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन है आपके, 5वां क्वेश्चन है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। और क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र बताना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके, अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है कि शांत दशमलव प्रसार के लिए शर्त लिखिए। तो इसके लिए शर्त होगी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। और दूसरा प्रश्न है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। और तीसरा प्रश्न है, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसमें 2 समीकरण दे रखे हैं आपको, p का मान बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण, इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। और कौन सी मेथड का यूज करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसके यूज से आपको रूट निकालना है इसका। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग यानी जीरो सम ऑफ जीरोज और जो कोफिशियंट है, जो प्रोडक्ट है, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो आपको k का मान फाइंड करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, कंस्ट्रक्शन का है, 5 सेमी लंबे रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। और केवल आपको इसमें डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। और 7वां प्रश्न है, बहुपद ax प्लस b का शून्यक लीजिए। तो इसका शून्यक होगा मेरे बच्चों x बराबर माइनस का b बटे a। और उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है आपके, बिंदु माइनस का 5 और माइनस का 3, इसकी आपको y अक्ष से दूरी बतानी है। तो यहाँ पर y अक्ष से पूछा है, तो हमें x का मान करना है जो, और x का मान है वो यहाँ पर देखो x
अक्ष हो या वायु हो, यानी भुज हो या कोटि हो, ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, इसलिए माइनस पांच को हमें प्लस लिखना है। ओके, प्लस का पांच। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° का मान आपको लिखना है, यानी आपको वैल्यू पुट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि sin3a बराबर cos a माइनस 26° हो, जहां 3 एक न्यून कोण हो यानी रेक्टेंगल हो, तो आपको a का मान फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके प्रोबेबिलिटी का है, दो खिलाड़ी अनीता और संगीता फुटबॉल का एक मैच खेलती हैं, यदि अनीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 0.38 दे रखी है, तो संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, बटन 2, 3, 5, 6, 1, 0, 3, इसका आपको मीडियन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। उसके बाद में सेक्शन बी है, खंड ब है, और खंड ब में क्वेश्चन नंबर 4 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 12, 15, 24 का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। और पांचवा प्रश्न है, द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। और छठा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा है वो सम्मिलित किया जाता है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है वो 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो आपको बताना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या रहने वाला है वो आप देख सकते हैं, यानी अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यानी दो ऐसे कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो, या आपके जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण उसका एक क्वेश्चन है आपके। और पांचवा प्रश्न है, राजकुमारी ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n याद कीजिए, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है आपके। और क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए, तो इसमें प्यारे बच्चों सूत्र लिखना है आपको। और दसवां प्रश्न है, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और प्रश्न संख्या 11 है, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, केवल आपको चित्र बनाना है इसमें। और प्रश्न संख्या 12 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों जिसमें कोसे टेने उनको हमें किसमें बदलना है, साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके, कोट 85 प्लस कोस 75 को 0° और 45° के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके, यदि 3, 4, 5, 17 और अक्ष का माध्य आपको 6 दे रखा है, तो आपको अक्ष का मान फाइंड करना है और इसके प्रयोग से आपको माध्यक भी ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 15 है, एक बारंबारता बटन का माध्य आपको 8 दे रखा है, माध्यक आपको 10 दे रखा है, तो आपको बहुलक ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक इक्का नहीं होगा और दूसरा क्वेश्चन है फेस कार्ड वाला पत्ता होगा। और उसके बाद में खंड स है आपकी, खंड स में प्रश्न संख्या 17 है आपके, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और सातवें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, और प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है वो आप देख सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी पहला पद आपको ज्ञात करना है, दूसरा है 10वें वर्ष में उत्पादन यानी आपको 10वां टर्म निकालना है, तीसरा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी 7 पदों तक आपको सम निकालना है, योग निकालना है। अथवा में प्रश्न आपको समांतर श्रेणी का दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, अगर आप ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपके, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक है जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं, इसमें जो के का मान है, जो लुप्त संख्या है के का मान, तो वो के का मान आपको फाइंड करना है। ओके, और अथवा में प्रश्न आपको दे रखा है, आपको 4 बिंदु दे रखे हैं और इन 4 बिंदुओं के शीर्ष आपको दे रखे हैं, जहां पर पे एक लुप्त संख्या है और एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में लेने पर तो आपको P का मान है वो ज्ञात करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 सिद्ध कीजिए यानी प्रूफ करना है आपको, और जो जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं अथवा में, इसमें पहला है 2 cos³a माइनस cos² a, ओके, और cos a बट्टा में क्या है cos a, और उसके बट्टे में sin a माइनस 2 sin³a बराबर में आपका आंसर है वो क्या आना चाहिए cot a। अथवा में प्रश्न है कि √1 + cos a बट्टा 1 - cos a बराबर में आंसर क्या आना चाहिए cot a + cos a के, ये आपको प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न बटन का
कल्पित माध्य और बहुलक याद कीजिए, यानी कल्पित माध्य और बहुलक निकालना है आपको इस टेबल का। तो अच्छे से आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अथवा में इसके क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ये भी आपको सोल्व करना है। निम्न बटन का माध्य का आपको 28.5 दे रखा है, आपको एक्स और वाई का मान फाइंड करना है, ओके। और इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द, प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफ खींचना है, और इसके लिए आपको दो समीकरण दिए गए हैं, ओके। और उसके बाद में अथवा में क्वेश्चन है कि ये वाला, तो इसका भी आपको ग्राफ बनाना है, और इसमें आपको पहले दो समीकरण बनाने हैं, 5 सेब और 3 संतरे हैं उनका मूल्य 35 रुपये है, और 2 सेब 4 संतरे हैं उनका मूल्य 28 रुपये है। तो ये देखिए 5x + 3y = 35 और 2x + 4y = 28, उसके बाद में ग्राफ खींचना है। और प्रश्न संख्या 22 से एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एबीसी की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, यह आपके कंस्ट्रक्शन का है। और अथवा में प्रश्न है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 23 है यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्य 50 है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको माध्य है वो ऑलरेडी दे रखा है, आपको क्या करना है, आपको इसका इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न है निम्न बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी मीडियन फाइंड करना है। और ये टेबल आपको दी गई है जिसमें बार दिया गया किलोग्राम में और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले सोल्व कर लिया, अच्छे से आपने तैयार कर लिया, तो आप मैथ के पेपर में 3 अप्रैल को 80 में से 80 नंबर है वो आराम से फोड़ सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।